इसने चोरी की है विरासत ज्वेलर्स में, विशाल सिंह राजपूत नाम के उनका जो एम्प्लॉय था उसने ये चोरी की है। और वो जो है उनके दो ज्वेलर शॉप है उसमें वो जो ज्वेलरी है वो ले जाने का काम करता था, उसी का उसने फ़ायदा उठाया है और दुकान से 1800 ग्राम का सोना उसने चोरी किया है। मैडम कैसे चोरी किया करता था वो? जो आप बता रहे कि मूवी के माध्यम से, कौन सी वो मूवी थी जो वो देख के इंस्पायर हुआ था? नहीं, मूवी के माध्यम से उसने चोरी नहीं किया है। जब वो चोरी करके ले जा रहा था तो पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने मोबाइल जो है उसमें ट्रक में रख दिया था, जिन्हें उसके जो मोबाइल का लोकेशन है वो पुलिस को ट्रेस ना हो सके इसलिए। अभी तक हमने 1845 ग्राम का सोना हस्तगत किया है। कितनी कीमत है? 1 CR 26 लाख इसका कीमत है। मैडम आपके माध्यम से ज्वेलरी शॉप वाले उनको क्या मैसेज चलेगा, किस तरीके से दूसरी घटना न पड़ेगी, परिसर के अंदर इस तरह से घटना घटी तो ज्वेलरी वालों को क्या आह्वान रहेगा? ज्वेलरी वालों को यही आह्वान रहेगा कि उन्होंने किसी एम्प्लॉय को काम पर रखने से पहले उसका वेरिफिकेशन किया जाए कि उसका कुछ बैकग्राउंड है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, यही वेरीफाई उन्होंने करना चाहिए। जो इसने चोरी की है विरासत ज्वेलर्स में, विशाल सिंह राजपूत नाम के उनका जो एम्प्लॉय था उसने ये चोरी की है। और वो जो है उनके दो ज्वेलर शॉप है उसमें वो जो ज्वेलरी है वो ले जाने का काम करता था, उसी का उसने फ़ायदा उठाया है और दुकान से 1800 ग्राम का सोना